मैंने सर ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ दी है, डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि ब्लड प्रेशर की दवा बंद कर दीजिए, तो दो दिन हो गया, ब्लड प्रेशर मेरा 107/77 ऐसे आ रहा है। हाँ जी, हाँ बोलिए। आप नमस्ते सर, कैप्टन श्रीधर मिश्रा जी। अच्छा, ओके जी सर, एक्चुअली 13th को मैं मेडिकल के लिए गया था, तो कंपनी डॉक्टर ने सडनली मुझे बुलाया अंदर, बोला क्या हो गया, आप बहुत ज़्यादा डायबिटीज हो। हमने कहा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। बोले आपका फास्टिंग अभी जो चेक किया उसमें 199 बताया, और फिर ट्राइग्लिसराइड आपका 547 है, तो यू आर मेडिकली अनफिट, आई कैन नॉट मेक यू फिट टू ज्वाइन अ वेसल। तो हमने कहा देन, तो वो बताया कि जाके मिलो किसी डायबिटोलॉजिस्ट से और वो जो एडवाइस करे और गिव मी फिटनेस सर्टिफिकेट सो दैट यू कैन ज्वाइन अगेन। तो फिर आपसे बात हुई, वाइफ ने आपसे बात किया, तो आपने जो मुझे मॉरल बूस्टर दिया उससे मतलब मुझे अभी मतलब सुबह का मैंने चेक करवाया था दो दिन पहले, तो 80 मिला था फास्टिंग का और 88 मिला था पीपी का पोस्ट लंच। और लेकिन सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट कि मैं मतलब आई वाज सरप्राइज्ड, मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। और आपको बता दूं, मैं यहां डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया था, शी इज अ वेरी गुड डायबिटिस्ट, और उसने लिस्ट ऑफ मेडिसिन इतने प्रिस्क्राइब किए, उसमें उसने हमारी जो पहले चल रही थी ब्लड प्रेशर की उसको भी चेंज किया कि आप ये लो, और कुछ अलग से एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए उसका भी मेडिसिन दिया, फिर ग्लूकोज का कुछ मेडिसिन दिया था कि ये बोले कंटिन्यू करो। मैंने उससे ऐसे पूछा था क्या ये डाइट से नहीं हो सकता क्या, बोले नहीं डाइट से इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगा, और सिंस यू विल बी ज्वाइनिंग वेसल्स सो यू नीड टू टेक मेडिसिन। लेकिन वाइफ ने बोला नहीं, वो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, और आई एम जस्ट गोइंग बाय योर एडवाइस एंड डाइट। तो डॉक्टर ने, अच्छा हाँ, मुझे ना कमजोरी थोड़ा सा जो लग रही है, अब मैं जो थोड़ा वॉकिंग कर रहा था सर सुबह नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे इतना वीकनेस लगता है कि मैं, मुझे फिर लगता है कि मैं सो जाऊँ सुबह उठने के बाद। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप जरा ये टेस्ट करवा लो, HbA1c वो करवाना है मुझे, वो मैंने कल के लिए बुलाया है, और इंसुलिन का भी, फास्टिंग इंसुलिन का भी उसने बोला है करवा लो, और ये विटामिन डी और B12 का भी, सो अकॉर्डिंगली ही विल पान। बट मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अगर ये सब नॉर्मल आ जाता है, तो 14 को मेरी ज्वाइनिंग है वेसल की, मैं विद ऑल ड्यू प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग, कैन आई ज्वाइन ए वेसल? देखिए, ऐसा मुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, इनिशियल केसेस तो हैंडल हो गए हैं, बस आप ये फूड का ध्यान रखिएगा कि जब आप शिप में हो तो आप अपने डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कंट्रोल करें, और बाकी जो वीकनेस है ये क्योंकि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के कारण जब बीपी लो जाने लगता है तो वीकनेस फील होती है, तो बीपी की मेडिसिन नहीं चलेगी, डायबिटीज की मेडिसिन नहीं चलेगी, फूड से आप मेंटेन करेंगे, और बाकी थोड़ी बहुत अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो टेस्टिंग हो जाएगी, उससे पता लग जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा 14th को आपको वहां ज्वाइन करने में। वैसे ठीक है सर। अच्छा सर, ये दूसरा मैं पूछने वाला था कि ये मैं मेडिसिन आपका ये दो रिवर्सोल और ये बेसिक उसको कंटिन्यू रखा है, उसको मैं कंटिन्यू चालू रखा हूँ, तो अब इसके बाद का फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा फिर मैं बाद में फिर आपसे पूछूंगा, अकॉर्डिंगली आई विल प्लान। अभी आपकी कल दोबारा बात होगी, तो सत्यजीत सर आपके कोऑर्डिनेटर रहेंगे। अच्छा, तो आपका इनसे डिस्कशन होगा और ये केस को फिर डिस्कस करके जो भी एप्रोप्रिएट अभी एक्शन होगा वो आपको बता देंगे। अच्छा, इन प्रेजेंट कंडीशन पे मैं अपना ये हल्का फुल्का वॉकिंग वगैरह शुरू करूं क्या सर सुबह कल से? वॉकिंग कीजिए, वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉकिंग कीजिए। अच्छा, और मैंने सर ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ दी है, डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि ब्लड प्रेशर की दवा बंद कर दीजिए, तो दो दिन हो गया, ब्लड प्रेशर मेरा 107/77 ऐसे आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, तो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। हाँ, दिस इज ओके ना, सो आई विल कंटिन्यू। अभी तक मैंने ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ली, दो दिन हो गया। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर भी ठीक है तो उससे थोड़ा रिलीफ मिला होगा जो वीकनेस लग रहा था। हाँ सर, जी ठीक। अच्छा, जब आप शिप पे होते हैं तो व्हाट्सएप और ये इंटरनेट कनेक्शन होता है आपका? मैं यस, मैक्स बहुत मिनिमम होता है, बट जब मैं शिप इंडिया कभी कभी आती है तो वहाँ तो हम दो तीन दिन रहती है शिप, तो उस समय तो मैं आपसे टच में रह सकता हूँ, फिर आपका ये जो वीडियो है वो सब मैं देख सकता हूँ, गाइडलाइंस पढ़ सकता हूँ। अगली हमारी जो वर्कशॉप है वो अराउंड 14-15 के आसपास होगी। अच्छा, शायद मैं वो करके तब जाऊं, आई थिंक। अच्छा,
ओके जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।